बदनामी करवाओगी, मेरी बदनामी करवाओगी। वो मत मांगो सखियों, खेल खेल में जाकर तुम पछताओ। मेरी बदनामी करवाओ, मेरी बदनामी करवाओगी। पहली बात नहीं, राजी महाराज हमें क्या करें। ओ माया के होंगे सास ससुर, माया के होंगे सास ससुर। ओ माया के होंगे सास ससुर, माया के होंगे सास ससुर। ओ माया का हो परिवार सभी, माया का हो परिवार सभी। ओ सच्चे प्रीतम को भूलोगी, सच्चे प्रीतम को भूलोगी, वहाँ झूठे पति बनाओगी। सच्चे प्रीतम को भूलोगी, वहाँ झूठे पति बनाओगी। मत मांगो सखियों, खेल खेल में जाकर तुम पछताओ। मेरी बदनामी करवाओगी। ओ पूजोगी पत्थर पानी को, पूजोगी पत्थर पानी को, क्योंकि ऐसी भेड़ा चाल चल रही, किसी ने पत्थर पे पानी चढ़ा दिया ना तो सारी मैं चढ़ाऊंगी, जो एक ने पतासे चढ़ा दिया ना सारी मैं चढ़ाऊंगी। पता कुछ नहीं है क्या इसमें, लेकिन बस इनको मेरी दुरानी ने चढ़ा तो जिठानी भी वहीं जाएगी, ननंद भी वहीं जा रही, सारी वहीं जाएगी। ओ पूजोगी पत्थर पानी को, पूजोगी पत्थर पानी को, ना समझो मेरी वाणी को, ना समझो मेरी वाणी को। सुंदर साहब जी बुरा ना मानना, आधे लोगों ने तो 10-10 साल हो गए, 20-20 साल हो गए तारतम लिए हुए, लेकिन उन्होंने मुझे लगा कभी वाणी खोल कर देखी नहीं होगी। उन्हें आज दुख तो नहीं पता वाणी है क्या, हकीकत बता रहा हूँ। क्योंकि अभी हमने जागनी अभियान चला था, 27 प्रोग्राम करें, उसमें हमें ऐसे भी मिले जो कह रहे जी 20-20 साल हो गए हमें तारतम लियो, लेकिन हमें तो पता ही नहीं पता तारतम ले लिया कंठी बंधवा ली, आगे हमें कुछ नहीं पता। नुको हम भी देवी देवता पूज रहे हैं, क्यों हमने तारतम ले लिया, टिकट मिल गया, चले जाएंगे परमधाम। परमधाम का पता नहीं है, पता नहीं कौन से स्टेशन पर उतर जाओगे, परमधाम का पता करना जरूरी है। क्यों नहीं तारतम ले लिया कंठी बंधवा ली, बस हो गया, हम तो परनामी मौज आ गई जी, ऐसा कुछ नहीं, यहीं रह जाओगे नहीं जाने का। पूजोगी पत्थर पानी को, पूजोगी पत्थर पानी को, ना समझो मेरी वाणी को, ना समझो मेरी वाणी को। मुझे शहर शहर और नगर नगर में टुकड़े भी मंगवाओगी, मुझे शहर शहर और नगर नगर में टुकड़े भी मंगवाओगी। वो मेरी बदनामी करवाओगी, वो मेरी बदनामी करवाओगी। वो मत मांगो सखियों, खेल खेल में जाकर तुम पछताओगी, मेरी बदनामी करवाओगी। Thank you.
और राजी तीसरी बात में क्या करें, ओ माया का तन तेरा मेरा, माया का तन तेरा मेरा, क्योंकि जैसा तन तुमने धारण किया है ऐसा ही तन मैं भी धारण करूंगा, तो तुम्हें क्या लगेगा ये तो कोई बाबा है। जो अंदर शक्ति बैठी है वो पहचानी नहीं। सदगुरु महाराज राम रतन महाराज जी को उनके जमाने के कुछ लोगों ने पहचाना, और के लिए तो वो बाबा थे, बस झंडू बाबा। और आज भी शेरपुर में जाके देखो तुम, झंडू बाबा का मेले में जा रहे जी, कोई खील चढ़ा रहा, कोई पतासे चढ़ा रहा, कोई अपना आपको दास बता रहा, मैं थारा दास हूं। पता ही नहीं लोगों को अगर ये शक्ति कौन थी, हम इनके क्या लगे, उनके अंदर क्या शक्ति बैठी है इसका किसी को नहीं पता। आते तो दासी करे, आते भजन में भी दासी गाँव है। वे हमारे प्रीतम हैं, हम उनकी अंगना हैं। दास का क्या मतलब है, दास होते हैं भक्तों के, भगवानों के, महाराजों के, वो तो पार ब्रह्म की शक्ति है उनके अंदर। जिन्हें उन्हें जाना उन्होंने ही पाया, बाकी तो आज भी बधेरे जावे वहां शेरपुर में जाके देखो कितनी भीड़ मिले, झंडू बाबा का मेला, झंडू बाबा का मेला, आ रहे पता से चढ़ा रहे बजा रहे। लेकिन जिन्हें पता है असलियत बात का उन्हें पता है, ओ माया का तन तेरा मेरा, माया का तन तेरा मेरा, ओ कोई करे नहीं विश्वास मेरा, कोई करे नहीं विश्वास मेरा, मुझे जेलों में फंसवाओगी और फांसी पर लटकाओगी, मुझे जेलों में फंसवाओगी और फांसी पर चढ़वाओगी, ओ मत मांगो सखियों खेल खेल में जाकर तुम पछताओगी, मेरी बदनामी करवाओगी। बाद में मेरे धाम धनी क्या करें, ओ तुम बैठो बनकर पटरानी, तुम बैठो बनकर पटरानी, मुझे दर दर की ठोकर खानी, मुझे दर दर की ठोकर खानी। क्योंकि परम धाम में हमने लिया था ना वादा कि हमारा इश्क बड़ा है, राजी कह रहे पता लग जाएगा किसका इश्क बड़ा है। इश्क उसका बड़ा होता है जो खुद चल के आया है, वो हमारे लिए आया है। दर दर की ठोकरें खाई हैं, नवतनपुरी से चलकर पन्ना जी तक पैदल चले हैं, टुकड़े मांगे हैं, कहीं मिल गया कहीं नहीं मिला। और हम कितने मक्कार हैं, कितने निठल्ले हैं, हमें जगा भी रहे हैं लेकिन फिर भी हम पहचान नहीं कर रहे हैं। वो क्या क्या कर रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर, क्योंकि सच्चे आशिक तो वह हैं। आशिक वो है जो अपने मासूक पर फिदा हो जाए। आज वो अपनी रूहों को जगा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। अगर वो सूद का आदरी ना तो उसका तकबा तोड़ रहे, अगर वो इश्क का सूद का आदरी है तो हम उसका तकबा तोड़ने के चक्कर में, एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में। आज महाराजों का भी यही हाल है, एक दूसरे की बुराई करते फिरे हैं, ये इसने नुकर दिया, इसने नुकर दिया, इसने नुकर दिया। सच्ची बात को नहीं बता रहे, सच्ची बात क्या है उसे नहीं बता रहे। बस मेरे चेले ज्यादा बन जा, मेरे सुंदर साथ मेरे पक्ष में ज्यादा हो जा, मैं महाराज हो जाऊं, इस चक्कर में लगे पड़े। किसी के चक्कर में नहीं आना सुंदर साथ जी, मेरी बात कड़वी लग रही होगी कुछ लोगों को, किसी के चक्कर में नहीं आना। सतगुरु महाराज ने वाणी दी है, वाणी उसे खोलो, उसे पढ़ो, सारी चीज है,
सब प्रश्न का उत्तर सुवाणी में, किसी का चक्कर मारने की जरूरत नहीं, सब कुछ दे रखा वाणी में, वाणी को पढ़ो। राज जी कह रहे हैं मैं तुम्हारे लिए कुलजम लाया हूँ, सारा खजाना लाकर दे दिया, इधर उधर चक्कर पड़ने की जरूरत क्या है। अब तो वैसे भी वाणी का खुलासा हो गया, सारी चौपाई सब कुछ सब खुला है, और यूट्यूब पे पता नहीं दुनिया भर के कहीं भी समझ लो, लेकिन जिसे समझना ही नहीं वो क्या करे। आओ क्या कह रहे हैं, ओ तुम बैठो बनकर पटरानी, तुम बैठो बनकर पटरानी, ओ मुझे दर दर की ठोकर खानी, ओ मुझे जेलों में फंसवाओगी और झूठे दोष लगाओगी, मुझे जेलों में फंसवाओगी और झूठे दोष लगाओगी, ओ मत मांगो सखियों खेल खेल में जाकर तुम पछताओगी, मेरी बदनामी करवाओ, मेरी बदनामी करवाओ, मेरी बदनामी करवाओ, मेरी बदनामी करवाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।